ए यारान दूर उस्ताद, ये जो आज की हाइक है ये है हेलवेलिन, और हेलवेलिन एक दुल्हन समझें, लेक डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों की दुल्हन है ये, और बड़ी ख़ूबसूरत पहाड़ी और इसके मनाजर बड़े ख़ूबसूरत है ऊपर जाके इंशाल्लाह, जो कि आप लेटर ऑन इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये पूरा इलाका जो है वो 500 मिलियन साल पहले, यानी हाफ अ बिलियन ईयर्स अगो, इसको ये जो है ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये पहाड़ियाँ बनी थी, और उसके बाद ग्लेशियर्स की मूवमेंट में जो आइस एज गुजरा लास्ट, उसकी मूवमेंट्स की वजह से इसमें ये झीलें बनी वगैरह वगैरह वगैरह। ये इब्तदाइया तारुफ़ आपके लिए हो गया। अभी ये बड़ा मुश्किल है अभी चढ़ना मेरे लिए, क्योंकि ये स्टीप है चढ़ाई, और आगे जब जाएंगे तो कुछ हालात बेहतर होने की उम्मीद है। राहबर हमारे आज हैं आसिम शहज़ाद, तो आसिम भाई की रहनुमाई में फिर हम ऊपर जा रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ गो रहे हैं, तो मिलते हैं ऊपर। अब वहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, वो नीचे जहाँ तक नज़र आ रहे हैं, और ज़िंदगी जो है वो कह रही है कि इसमें कोई सहूलत भी होनी चाहिए, कोई आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आसिम भाई ने मेरी छेड़ बनाई हुई है कि रूह की बालीदगी के लिए, रूह की तरह ताज़ा करने के लिए, इसको मुअत्तर करने के लिए, इसकी फिज़ा को पुरनूर करने के लिए, कि पहाड़ों में जाना, नेचर में जाना, फितरत से मेल करना, ये इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है और मुश्किल भी है सच पूछिए तो जारी रखते हैं सफ़र। आप दुआ कर रहे हैं जी, क्या ख्याल है सटो कुछ? तो अहबाब, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में व्लॉग की दो इंस्टॉलमेंट्स के बाद अब बकल में खुद बज़ुबान खुद खाकसार आपसे मुखातिब है। अब 650 मीटर एलिवेशन गेन कर चुके हैं, पीछे उल्स्टर वाटर झील आपको नज़र आ रही है, मंजर नहायत ख़ूबसूरत है, इंसान की आंख तसव्वुर तो करती है मगर देखती कम कम है, यानी मौका कम कम मिलता है, लेकिन इस मौके के लिए मेहनत जो है वो अंत तक करनी पड़ती है। यकीन मानिए कि जिस्म के पूर पूर से जो है वो एनर्जी निकली है, और या यानी बाकी या पंजाबी से कहने के लग पता गया सो लेकिन इंस्पिरेशन आती है कि जब पास से बंदे और खुसूसन उम्र रसीदा ख़वातीन शूं करके गुजर जाती, देखिए और वो एक सीले रवां एक बहते दरिया की तरह वो जनाब चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, और इंस्पिरेशन इनसे आती है और फिर इंसान हिम्मत करता है। अहबाब ऊपर मिलेंगे जब स्ट्राइडिंग एज शुरू होगा। बाय द वे स्ट्राइडिंग एज जो है ना, वो ये जो रास्ता है इस स्ट्राइडिंग वाया स्ट्राइडिंग एज जो है टॉप पर जाना, उसका तारीफ मैं ऊपर जाकर करवाऊँगा, मिलते हैं ऊपर जाके। अहबाब, स्ट्राइडिंग एज के बिल्कुल इब्तदा में हम पहुंच चुके हैं, वो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से हम जाएंगे, ये जो ये इसे स्ट्राइडिंग एज कहते हैं, ये जाते 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 ये जो है ना, और वो हेलवेलिन की पीक है, वो जहाँ पे बर्फ़ के कुछ जो है बर्फ़बारी के कुछ टुकड़े वहाँ पे मौजूद हैं, और अभी तक वहाँ पे बर्फ़ मौजूद है, हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी है। रास्ते में जैसे कि हमने बताया कि हमने थर्मल्स भी उतारे, जैकेट्स भी उतारे, और सिर्फ सिंगल लेयर्स में आए, अब लग रहा है कि एक जो है ना एक लेयर ऊपर और करनी पड़ेगी, हवा काफ़ी सर्द है, और चूँकि खाकसार बिल्कुल प्रोटेक्शन लेस है जहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए थी, तो सर्दी ज़्यादा लगती है खाकसार को, मगर धूप नाइस है, मौसम बिल्कुल क्लियर है। नीचे जब हमने वॉक शुरू की थी तो 16 डिग्री हो रहा था, इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 6 डिग्री चल रहा होगा, 7 डिग्री चल रहा है, इसलिए हम एक लेयर और ऊपर कर लेंगे,
वो मंजिल मकसूद वो है, वो सिदरतुल मुंतहा हमारी आज की वॉक का वो रहा और हेलवेलन का टॉप। अगर आप गौर से देखेंगे, जूम इन की फैसिलिटी हमारे इस फ़ोन में नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लाइन बना के उस उनके जो है ना स्ट्राइडिंग एज के ऊपर चलते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे टॉप पे मिलते हैं। तुराब भाई, जीसस क्राइस्ट बनते हुए, जीसस क्राइस्ट बनते हुए तमाम तारीफें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए हैं कि जिसने हमें इतनी हिम्मत अता फरमाई कि हेलवेलन की बुलंदियों पे पहुंच गए। ये जो मॉन्यूमेंट के जिसके ऊपर मैं अपनी निशिस्त को रखे हुए हूँ, ये इस बात का अमर है और कई सदियों से इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये जो मकाम है, ये इस पहाड़ी का बुलंद तरीन मकाम है। और उस पहाड़ी से मैं 3 फीट ऊपर हो गया हूँ, तो बाकी पहाड़ी में से 3 फीट नीचे है। तो अब तक होने वाली सारी हाइक्स में से सबसे मुश्किल हाइक यही हुई है। इसमें बड़ी एनर्जी सर्फ हुई है सर जी, और लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने इतनी तौफीक अता की कि वी मेड इट हियर एंड थैंक्स टू आसिम भाई। अब वापसी का सफ़र शुरू कर, लंच हम कर चुके हैं, ड्रोन शॉट्स हम ले चुके हैं। अब ये जाते जाते आपसे ये कहता चलूँ, हुजूर आसिम भाई ने खुसूसन मुझे मना किया है कि वो उस लेक को आंसू लेक नहीं कहना, तो उसको आंसू लेक ना कहते हुए प्याला नुमा लेक कह के मैं बताता चलूँ कि आतिशीशाह का दहाना था जो आज से कमोबेश 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो फटा था, और उसके बाद सारा लावा उस तरफ बह गया और इसका ये जो रिज है लावे की वो ये रह गई। चलते हैं, वापसी का सफ़र है और आपको नीचे मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अच्छा शाह जी, ये वो रास्ता आ गया, आप कह रहे थे उस पीक पे जाना है, क्या आपने कहा था वापसी पे इसी जगह पे पूछना? सर जी बात ये है, आप चॉइस आपकी है, ठीक है, अगर हम ऊपर गए तो हम जब उतरेंगे तो वो उस पार उतरेंगे। हाय हाय हाय, आ जाए फिर। नहीं नहीं सुने ना, नहीं आज आज लॉजिक तो सुने ना। अच्छा, और अगर हम ना गए क्योंकि हमें आंसू लेक पे विजिट जाना है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर ना ही जाए तो ठीक हो गया। लीजिए दोस्तों, अब इख्तिताम की मंजिल पास है, हम वापस आ चुके हैं। अब तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया, वो सामने जहाँ घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। आज का ये जो हाइक था ये यकीनन बहुत मुश्किल था, बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। अभी वो रात को पता चल गया, बल्कि कल पता चलेगा जब सुबह उठेंगे तो लातों का और कंधों का क्या हाल है, क्योंकि जितना वज़न मैं उठाए हुए हूँ इतना वज़न मैंने पहले कभी उठाया नहीं, और यानी हाइक में नहीं उठाया। आज 2 ड्रोन्स भी हैं, वाटर बॉटल, तो 2 लीटर की वाटर बॉटल होती है जो इसके अंदर होती है, वगैरह वगैरह, तो एक्सेसरीज मिला के तो कम से कम 10-12 किलो का वज़न उठाए हुए चल रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आप नहीं थे करने वाले पहले ही। बाकी आपसे अगली हाइक में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।